नमस्कार दोस्तों, आज के दिन एक डॉलर की कीमत 75 रुपए टच करने को हो रही है। दूसरी तरफ एक यूरो ने 85 रुपए का मार्क क्रॉस कर दिया है और एक पाउंड ने तो सेंचुरी मार दी है रुपीज में। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन सारी महंगी करेंसी से भी कहीं ज्यादा महंगी है दुनिया की सबसे महंगी करेंसी, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी। क्या आप गेस कर सकते हैं वो कौन सी करेंसी है? कुवैती दिनार। एक कुवैती दिनार ऑलमोस्ट 250 रुपीस के बराबर है। सवाल यहां पर ये उठता है कि ऐसी क्या खास बात है कुवैती दिनार में कि वो दुनिया की सबसे महंगी करेंसी बन गई। हालांकि दूसरी तरफ यूएस डॉलर दुनिया की सबसे पॉपुलर करेंसी है, वो इतनी महंगी नहीं बन पाई, लेकिन कुवैती दिनार इतनी महंगी बन गई। आज के इस एपिसोड में आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को दोस्तों आप एक तरह से कंटिन्यूएशन समझ सकते हो मेरे पुराने व्हाट इफ वन डॉलर इक्वल्स वन रुपी वाले वीडियो की। आप लोगों को वो वीडियो बहुत पसंद आया था, इसलिए आज का ये वीडियो भी एक सिमिलर से ही टॉपिक पर है। कुवैती दिनार के बारे में बात करने से पहले हमें थोड़ा कुवैत की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आप शायद ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि आज से 70-80 साल पहले कुवैत में जो करेंसी इस्तेमाल करी जाती थी उसे इंडियन सरकार के द्वारा इशू किया जाता था। सही सुना आपने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुवैत की करेंसी बनाया करता था एक टाइम पर, और उस करेंसी का नाम था गल्फ रुपी। इंडियन रुपी से काफी सिमिलर था, दिखने में कुछ ऐसा दिखता था, और आप इस नोट पर देख सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। इंडियन रुपी और गल्फ रुपी के नोट में जो नंबरिंग थी उसमें एक लेटर का फर्क होता था। गल्फ रुपी के जो नंबर्स होते थे वो हमेशा जेड से शुरू होते थे। इस गल्फ रुपी के बारे में खास बात यह थी कि इसे इंडिया के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, ये इंडिया के बाहर ही चलता था। अब अगला सवाल यहां पर यह उठता है कि कुवैत जैसी कंट्री को क्या जरूरत पड़ी एक ऐसी करेंसी इस्तेमाल करने की जिसे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जा रहा हो। इसका जवाब दोस्तों इतिहास में छुपा है। ऑलमोस्ट 200 सालों तक, 1763 से लेकर 1961 तक, ब्रिटिश राज का कंट्रोल रहा था पर्शियन गल्फ के एरिया पर। इसी एरिया में एक कंट्री थी कुवैत की। अब ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश राज का पूरा टोटल कंट्रोल था कुवैत के ऊपर, थ्रू आउट द ईयर्स अलग अलग डिग्री ऑफ कंट्रोल रहा था कुवैत के ऊपर। तो यहां पर ब्रिटिश इंडिया सरकार ने देखा कि कुवैत की जो इकोनॉमी है ये काफी छोटी इकोनॉमी है, क्या करेंगे यहां पर एक अलग से करेंसी बनाकर। आसान यही रहेगा कि हम वही सेम करेंसी इस्तेमाल कर लें जो हम इंडिया में इस्तेमाल करने लग रहे हैं। तो शुरुआत में ये डिसीजन ब्रिटिश इंडिया सरकार का था सेम करेंसी इस्तेमाल करने का। लेकिन 1947 में जब इंडिया को आजादी मिली तो इंडिया ने यह होते हुए देखा और परमिशन दे दी कुवैत को कि वो इंडियन रुपी को इस्तेमाल करते रह सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम तक एग्जैक्ट सेम इंडियन रुपी इस्तेमाल किया जा रहा था कुवैत में भी और इंडिया में भी। याद रखिए, ये वो समय था जब कुवैत की इकोनॉमी काफी छोटी थी क्योंकि ऑयल बूम नहीं हुआ था। हालांकि ऑयल की डिस्कवरी कुवैत में लेट 1930s में ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू की वजह से कुवैत बाकी दुनिया को इतना तेल नहीं बेच पाया था। 1960s के अराउंड ही होना शुरू हुआ था। लेकिन इंडिया की आजादी के कुछ सालों बाद इंडिया ने एक प्रॉब्लम होती हुई देखी, गोल्ड ट्रैफिकिंग की। गल्फ के एरिया में एक बड़े स्केल पर गोल्ड की ट्रैफिकिंग हो रही थी। स्मगलर्स क्या करते थे, गोल्ड ले जाकर इंडिया में बेचते थे, उसके बदले इंडियन रुपी लेते थे और उस इंडियन रुपी को ले जाकर गल्फ कंट्रीज में बाकी फॉरेन करेंसीज में एक्सचेंज करा लेते थे। इससे इंडियन इकोनॉमी को काफी नुकसान सहना पड़ रहा था। इसी रीजन से 1959 में इंडियन सरकार ने डिसाइड किया कि गल्फ के एरिया के लिए हम एक अलग करेंसी इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम होगा गल्फ रुपी। इंडियन रुपी से ये 1:1 की रेशियो में कन्वर्ट करी जाएगी, लेकिन फर्क यह होगा कि गल्फ रुपी को इंडिया के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इससे स्मगलिंग पर काफी हद तक रोक लग पाई। इसके बाद 1961 में कुवैत को ब्रिटिश से आजादी मिलती है और 1963 में कुवैत पहली अरब कंट्री बन जाती है अपनी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस कंडक्ट करवाने वाली और एक कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करने वाली। 1970s तक प्रोग्रेस इतना अच्छा चलता है कि कुवैत अपने एरिया की सबसे डेवलप्ड कंट्री बन चुकी है। इनफैक्ट प्रेस फ्रीडम के मामले में भी कुवैत दुनिया की वन ऑफ द टॉप कंट्रीज बन जाती है अपने टाइम की। सुनकर आपको यकीन नहीं होगा लेकिन यही सच्चाई है दोस्तों, एक टाइम पर कुवैत को अपनी लिबरल वैल्यूज के लिए काफी जाना जाता था। आज भी सिचुएशन इतनी खराब नहीं है वैसे। आज के दिन तक कुवैत की जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रैंकिंग है वो इंडिया से कहीं ज्यादा बेहतर है, यानी कुवैत में आज के दिन जर्नलिस्ट को ज्यादा आजादी है बोलने की इंडिया के कंपैरिजन में भी। एनीवेज, मैं मेन टॉपिक से काफी ज्यादा डाइवर्ट हो गया, अपने ओरिजिनल करेंसी के टॉपिक पर वापस आते हैं। अर्ली 1960s में कुवैती दिनार को इंट्रोड्यूस किया जाता है नई कुवैत की सरकार के द्वारा और इसका प्राइस फिक्स किया जाता है एट 13.33 INR टू 1 कुवैती दिनार।
1966 तक गल्फ रुपी सर्कुलेशन में रहता है, लेकिन उसके बाद इंडियन सरकार को इंडियन रुपी को डीवैल्यू करना पड़ता है कई रीजंस की वजह से। एक तो वॉर झेलनी पड़ी है इंडिया को चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ। इन सारे रीजंस को मैंने इस पुराने वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, वन रुपी वन डॉलर वाले में, कि क्यों इंडिया को इंडियन रुपी को डीवैल्यू करना पड़ा। लेकिन इस डीवैल्यूएशन की वजह से इन गल्फ कंट्रीज पर असर पड़ता है और ये मजबूर हो जाती हैं कि अपनी करेंसीज क्रिएट करने पर। ओमान, कतर, यूएई, ये सारी कंट्रीज अपनी खुद की करेंसीज क्रिएट करती हैं। इसके बाद 1975 में कुवैती दिनार का एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया जाता है टू अ बास्केट ऑफ करेंसीज। अब फिक्स्ड करना क्या होता है एक्सचेंज रेट को, ये मैंने आपको सेम पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। बेसिकली तीन टाइप के एक्सचेंज रेट्स होते हैं, फिक्स्ड, फ्लोटिंग और मिक्स्ड। फिक्स का मतलब है कि आप अपनी करेंसी का एक्सचेंज रेट फिक्स कर देते हो किसी दूसरी करेंसी के साथ और उसके हिसाब से आपकी करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे होती है। जैसे आप कह दो कि मैं एक नई करेंसी बनाता हूं जिसकी वैल्यू होगी मेरी नई करेंसी की वन करेंसी इक्वल टू $5। अब जैसे जैसे डॉलर ऊपर नीचे जाएगा आपकी करेंसी भी ऊपर नीचे जाएगी। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब यह है कि मार्केट में सप्लाई डिमांड देखकर करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे होगी, फ्लोट करेगी, और मिक्स्ड होता है इन दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन। अब इंडियन रुपी भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर था 1990s तक। इंडिया में जब इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन हुआ उसके बाद ही इंडियन रुपी को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर लाया गया। आज के दिन ज्यादातर करेंसीज दुनिया में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर हैं या मिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर है, विद द एक्सेप्शन ऑफ गल्फ कंट्रीज की जो करेंसीज है, जैसे कि कुवैती दिनार जो आज के दिन तक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर काम करता है। ये किसी सिंगल करेंसी के साथ फिक्स नहीं है बल्कि एक बास्केट ऑफ करेंसीज के साथ फिक्स्ड है। कि एक बास्केट है यहां पर करेंसीज की जिसमें 30% डॉलर है, 20% पाउंड है, अलग अलग प्रोपोर्शन में अलग अलग करेंसीज हैं और उनकी जो कंबाइंड रेशियो निकलती है उसके साथ फिक्स कर रखा है कुवैती दिनार को। ऑब्वियसली अब अगला सवाल ये उठता है कि कुवैत ने आज के दिन तक क्यों अपनी करेंसी को फिक्स रख रखा है और इंडिया ने क्यों नहीं फिक्स कर रखा है, इंडिया ने अपनी करेंसी को क्यों फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर रख रखा है, क्या इसके फायदे नुकसान है। अपनी करेंसी को फिक्स करने का या पेग करने का, इसे पेग भी कहा जाता है, नुकसान यह है कि आप किसी दूसरी करेंसी के भरोसे बैठे रहोगे अपनी कंट्री की इकोनॉमी को लेकर। अगर आप अपनी करेंसी को यूएस डॉलर के हिसाब से पैक करते हो तो कल को यूएस डॉलर क्रैश कर जाता है, यूएस की इकोनॉमी गिर जाती है, तो आपकी देश की इकोनॉमी भी नीचे ही जाएगी क्योंकि आपकी करेंसी यूएस डॉलर के हिसाब से चल रही है। अब इस चीज को काफी हद तक अवॉइड करने के लिए कुवैत ने अपनी करेंसी को एक बास्केट ऑफ करेंसीज के साथ पैक कर दिया, सिर्फ यूएस डॉलर के साथ पैक करने की जगह। लेकिन अब दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जब आप अपनी करेंसी को पैक करोगे तब आपको उस पैक को मेंटेन करके रखना पड़ता है और मेंटेन करने के लिए आपके पास एक सफिशिएंट सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होने चाहिए अपने देश में। मेंटेन करने का मतलब क्या है, देखो किसी भी करेंसी को जो मार्केट में सप्लाई और डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं उसे झेलना पड़ेगा, उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, चाहे आप फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर हो चाहे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर हो। बस फर्क यह है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर जो भी सप्लाई और डिमांड के फोर्सेस आ रहे हैं उन्हें काउंटर एक्ट करने के लिए आपकी सरकार को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को यूज करना पड़ेगा अपनी करेंसी की वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए। तो जब इंडिया ने 1990s के टाइम में इंडियन रुपी को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में शिफ्ट किया था उसके पीछे एक रीजन यही था कि इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने कम हो गए थे कि वो सिर्फ 3 हफ्ते के इंपोर्ट्स को सपोर्ट कर सकते थे। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का यही फायदा रहता है कि अगर देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इकोनॉमी की खराब हालत है, तो सेंट्रल बैंक पैसे की सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, बढ़ा सकता है या इंटरेस्ट रेट को कम कर सकता है या करेंसी की वैल्यू को कम कर सकता है, डीवैल्यू कर सकता है ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए। ये सब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में पॉसिबल नहीं है। तो इतने सारे नुकसान बता दिए यहां पर मैंने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के, लेकिन फिर भी ये सारी गल्फ कंट्रीज क्यों इस सिस्टम को आज के दिन भी इस्तेमाल करती हैं। इसके पीछे सिंपल रीजन ये है दोस्तों कि इन कंट्रीज की इकोनॉमी ऑयल के बेस पर चलती है और जैसा हम सब जानते हैं ऑयल का प्राइस बहुत ही वॉलेटाइल है, बहुत ही तेजी से ऊपर नीचे होते रहता है। अगर ये कंट्रीज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का इस्तेमाल करने लग गई तो ऑयल की सप्लाई और डिमांड को देखकर इन कंट्रीज की जो करेंसी है वो भी बड़ी तेजी से ऊपर नीचे होती रहेगी, वैल्यू उनकी बड़ी तेजी से चेंज होती रहेगी और इसी चीज को अवॉइड करने के लिए इन्होंने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का सिस्टम आज के दिन भी इस्तेमाल कर रखा है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कुवैत के पास कोई कमी नहीं है क्योंकि बहुत सारा पैसा कमाया है इस देश ने ऑयल बेचकर और बहुत सारा यूएस डॉलर इनके पास रिजर्व में है, तो पैक को मेंटेन करने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। कुवैत के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल रिजर्व है ऑयल का और इस ऑयल इंडस्ट्री के बेसिस पर ही कुवैत अपने इस हाई वैल्यू पैक को मेंटेन कर पाता है।
अगर हम थियोरेटिकली कहें कि कुवैत अपनी करेंसी को एक और भी ज्यादा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर क्यों नहीं रखता, आज के दिन 250 रुपीज वन कुवैती दिनार के बराबर है, कुवैत ऐसा क्यों नहीं कहता कि चलो 1000 इंडियन रुपीज एक कुवैती दिनार के बराबर होने चाहिए, हम इस लेवल तक अपनी करेंसी के फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को ले जाएंगे। अब थियोरेटिकली कहें तो कुवैत ऐसा कर सकता है, लेकिन उस पैक को मेंटेन करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, उतने ही ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जरूरत पड़ेगी। आज के दिन जो मार्केट के सप्लाई और डिमांड के फोर्सेज हैं, बहुत सारे फोर्सेस होते हैं ये, जिनको मैंने फिर से पुराने वीडियो में बताया था, इनके बेसिस पर जो भी करेंसी की वैल्यू निकल कर आ रही है उसके अराउंड ही पेक को मेंटेन करना सही रहता है। एग्जांपल के तौर पे एक बड़ा फैक्टर है यहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। जितना पैसा कुवैत देश के अंदर आने लग रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, एक्सपोर्ट से, वो कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू जितना पैसा कुवैत से बाहर जाने लग रहा है, जो इंपोर्ट्स हैं या फिर जो लोकल लोग बाहर के देशों में इन्वेस्ट करने लग रहे हैं। इसका मतलब है कि बाहर के लोग कहीं ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज देश के अंदर खरीदने लग रहे हैं, इन्वेस्ट करने लग रहे हैं, तो करेंसी की डिमांड बहुत ज्यादा है जिससे इसकी वैल्यू बढ़ती है। वैसे दोस्तों अगर हम इन करेंसीज की बातों में नॉन गवर्नमेंट ओन्ड करेंसीज को भी इंक्लूड कर लें तो दुनिया की सबसे वैल्यूएबल और सबसे महंगी करेंसी एक्चुअली में होगी बिटकॉइन, क्योंकि एक बिटकॉइन की आज के दिन वैल्यू है ऑलमोस्ट 34 लाख रुपीज। और बाकी और करेंसीज के कंपैरिजन में बिटकॉइन की वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों है, सेम रीजन की वजह से, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है, लोग इसे एक्चुअली खरीदना चाहते हैं। दिन प्रतिदिन क्रिप्टो करेंसी की जो एडॉप्शन है वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है। पिछले साल ही एस्टिमेट किया गया था $6.6 बिलियन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किए गए थे दुनिया भर के लोगों के द्वारा, और जैसे जैसे दुनिया भर की सरकारें इसे और एक्सेप्ट करती जा रही हैं, जैसे कि अपने देश में ही एक क्रिप्टो बिल प्रेजेंट किया जा सकता है पार्लियामेंट में जल्द ही, और RBI ने तो ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है बैंक को कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को कंटिन्यू रखा जाए, वैसे वैसे ही और लोग मोटिवेट हो रहे हैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए। अपने देश में ही करीब 2 करोड़ लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं क्रिप्टो में। इन्वेस्ट शब्द यहां पर बहुत ही क्रिटिकल है, ध्यान दीजिए इस पर, क्योंकि एक करेंसी में इन्वेस्ट करना, क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन ये आने से पहले किसी ने ज्यादा सोचा नहीं था इसके बारे में कि हम करेंसीज को खरीदेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। आमतौर पर आप करेंसीज का इस्तेमाल करते हैं डे टू डे लाइफ में, लेकिन आज के दिन जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी आगे बढ़ रही है दुनिया में, उसे देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि लोग इसे एसेट की तरह ज्यादा देखते हैं, करेंसी की तरह कम देखते हैं। और ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो बहुत रिस्की है, बहुत बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि ये ऑयल्स के प्राइस से भी ज्यादा वोलेटाइल है, लेकिन शायद यही रीजन है कि लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना भी इतना पसंद है। अपने टॉपिक पर वापस आए तो कंक्लूजन में मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, हमेशा याद रखिए कि करेंसी की जो वैल्यू होती है वो कोई इंडिकेटर नहीं है कि एक देश की इकोनॉमी कैसी परफॉर्म करने लग रही है। हिस्टोरिकली एक ब्रिटिश पाउंड हमेशा ज्यादा वैल्यूएबल रहा है एक US डॉलर के कंपैरिजन में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूके की इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग है या यूके ज्यादा पावरफुल कंट्री है एज कंपेयर टू द US, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। हम सब जानते हैं US एक ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है यूके के कंपैरिजन में, और आज के दिन US से ज्यादा पावरफुल कंट्री है यूके के कंपैरिजन में। और यही रीजन है दोस्तों कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी रखने के बावजूद भी कुवैत आज के दिन एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, जो कि शुरू हुई थी COVID-19 पैंडेमिक की वजह से। ऑयल प्राइसेस क्रैश कर गए थे और काफी समय तक ऑयल प्राइसेस इतने नीचे रहे कि कुवैत अब लॉस में जा रहा है। कुवैत के अंदर कोई पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है, ऊपर से कुवैत एक ऐसा देश है जो अपने सिटीजन की देखभाल के लिए बहुत पैसा स्पेंड करता है। कुवैत में लोगों को फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन, चीप इलेक्ट्रिसिटी, चीप गैसोलीन, इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स और सब्सिडीज दी जाती हैं। लेकिन अब सरकार के पास कमाई का कोई जरिया नहीं बचा है जब ऑयल प्राइस इतना लो चल रहा है। तो कोशिश करी जा रही है सरकार के द्वारा, लोगों के द्वारा भी डिमांड करी जा रही है कि सरकार डाइवर्सिफाई करे अपने रेवेन्यू सोर्सेज को, अलग अलग तरीके ढूंढे रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करने के लिए और सिर्फ ऑयल के सहारे ही डिपेंडेंट ना रहे। ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले टाइम में कुवैत कैसे इस क्राइसिस को ओवरकम करेगा।